नून वाले केले लेके, नून वाले केले कुरकुरे। आ जा भाई, टॉफी नई नई हाजमे वाली है। भाई सेठ चिल्ली आगा भी इससे माल लूटेंगे। बल कुरकुरे इधर देंगे, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, उधर भाग रहा, इधर खड़ा हो। चोरी की नियत है, चोरी के चक्कर में होगा यानी। कुरकुरे नहीं है, है? कौन दमाग रहा कुरकुरे? यामीन का है? तेरे पे पहले पैसे, तेरे बाप पे पैसे, पहले निकाल पैसे। हैं? दे 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 कतरे तो। अरे एक कुरकुरे दे दो क्या? यामीन जी दिवाले पैसे, ठीक है एक कुरकुरा दूंगा बस। ले कुरकुरे ले, हटा, चलो भी हटो। अबे, हैं? इधर आ, इधर चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा साले, चोरी करेगा साले, निकल जा, निकल जा, जान से मार दूंगा साले। मैं कुरकुरे डिब्बा ठारा, टॉफी का डिब्बा ठारा साले। हैं? अभी लाने हम अपनी अपनी जा, निकल ला, निकल ला। शेख जी पागल बना रहे साले, जान से मार दूंगा साले। क्या हुआ शेख जी, कैसे बड़बड़ा रहे हो? यामिन का, यामिन का, यामिन का साला। कुरकुरे दे दे, कुरकुरे का पैकेट लगा साले, उसके बाप पे पैसे और टोपी का डिब्बा ठहरा साले के, मैंने दिए दो। अरे वे अपने बाप को बुला के लाएंगे तो क्या होगा? अरे लाने दो अम्मी, फ्री का माल है, हराम का माल है, आ जान तो देख लेंगे। अम्मी वैसे तू सही कह रही है, मुझे डर लग रहा कुछ हो ना जाए, निकल लो अपनी ठेली लेके। तू डर मत, फ्री का माल थोड़ा ही ना है, आने दे उन्हें, मैं सब संभाल लूंगी। आने दो, आज हम भी डरने वाले नहीं है। सही कह रही है बेटा रुखसाना। सही कह रही है रुखसाना, मुंह पिटक रहा जब किसी और का मुंह लियो, या मेरा पिटवाओगी, मुझे पिटवाओगी या अपना पिटवाओगी? हमारे हाथ ना है, हम ना पिटेंगे उन्हें। तुम चुप करो शेख जी, कुछ भी हो जाए हम क्या डर रहे हैं? तो हम क्या डरने वाले हैं? हैं? हमारे बच्चों को मारा है, तू क्या डराएगी, हम डराएंगे तुझे? और क्या, तेरे पैसे मारे हैं, कभी दिए नहीं है क्या? अरे तुम जाओ, नाराज मत हो। हाँ हम लड़ाई नहीं चाहते, तुम जाओ यहाँ से। लड़ाई ताओ ना ताओ, हम डरने वाले नहीं है। तूने हमारे बच्चों को मारा, गांव में को हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शर्म तो बिल्कुल ना ही होएगी बच्चों पे हाथ उठाते हुए। हम कासिम कुलावटी वाले हैं, लोग हमारे नाम से लाखों रुपए का सामान दे देते हैं, और तूने हमारे बच्चों को ये 2 रुपए की आइटम नहीं दी? दी दी, बस हाला मेरा सबका भाषण सुन लिया है, मैं हराम का माल है, मैं बच्चों को चीज दिलवानी ने पैसे दे के भेजे करो, पैसे एडवांस दे जाओ, अपने बच्चों को खूब लाड दिखाओ, खूब माल खिलाओ, साले हराम का माल है, हराम का खाओगे साले। हमें बदतमीज हराम कहेगा? अरे हराम का कमालपुर में क्या कर रहे हो? साने बच्चे केले भी बखेर दिए।
चलो बैठो अम्मी बैठो। चलो शेख जी। जाकर पड़ोस गाँव बेच आऊंगा थोड़ा तेज और सही। अरे चल अब। आज तो दिमाग खराब कर दिया। बहुत बच्चों को मारे हैं ये। सुनो सुनो अदर तेतीली पंचहत्तर है ना तो धन्यती जरूरत नहीं है। अगर आज डर गए तो सिर पे चढ़ जाएंगे। सही कह रहा। हमारा गांव में इसी तरह खोप रहना चाहिए। जब तक हम ऐसी पिटाई करते रहेंगे ना गांव वाले ऐसी डरते रहेंगे हमसे। अगर पंचायत में ज्यादा जवान चलाई तो वहाँ एक बार फिर से कूट देंगे। उस आराम दादी ने मेरी टांग पकड़ ली वरना वही कूटती। ठीक तरह तन्ने चलो ठीक तरह। भाई शेख चिल्ली बुला उनको। क्या बुलाऊंगा किसा प्रधान जी तो लड़ने को हो रहा मैं साले जब जामा बुलाने को। हाँ और डंडा लेके पीछे और भागे मारने के लिए। प्रधान जी हाँ अगर हमें इंसाफ ना मिला ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। जमीला घबराने की जरूरत नहीं है शेख चिल्ली उन्हें आना पड़ेगा इंसाफ हम करेंगे। बेटा जाओ तुम बुला के लाओ। ओके प्रधान जी जाओ। आओ जी चलो 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 चलो। प्रधान जी आ गए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई इकबाल क्या मामला है ये? प्रधान जी ना तो मैं मामले का पता और ना मैं मामला तुनाना। आए क्या कह रहा भाई ये? अजी प्रधान जी ये कह रहा है कि ना तो हमें मामले का पता। हाँ मैं कुछ सुनाना। अरे भाई ये पंचायत है पंचायत। पंचायत है तो क्या हुआ? पंचायत हमारे सर पे चढ़ेगी। और यहाँ कोई ज्यादा बड़े लाट साहब रहते हैं? ये तो ही पंचायत है त्या। अरे भाई ये क्या कह रहा है ये? प्रधान जी ये कह रहा है कि ये कोई पंचायत है? ऐसी पंचायत तो रोज होती रहे रोज खाली होती रहे। क्यों भाई? हाँ सही कह रहे हो। वाह प्रधान जी जब ये लोग तुम्हारी नहीं मान रहे तो हमारी क्या मानेंगे? तुझे तलम नहीं आई माले थोते थोते बस्तों पर हाथ उतारा तन्ने? इसने अब क्या कही है? प्रधान जी तुम्हें बिल्कुल समझ है या थोड़ी बहुत नहीं है? कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं हो? मैं तुम्हें यूं ही बताता रहूंगा यूं क्या कह रहा है यूं क्या कह रहा। ये कह रहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हें छोटे बच्चों पर हाथ उठाया? प्रधान जी हम तो गलती मान रहे हैं। हम तो पंचों की सुन रहे हैं ये तो पंचों की भी ना मान रहे। हमें नहीं सुनना किसी का फैसला वैसला। ऐसे प्रधानों को कुछ ना मानते हम अपने सामने। चलो जी चलो। दादा बोल रहे थे तो यही मान लेंगे। हैं इसने अब क्या कही है? ये कह रहा है कि ज्यादा बोलोगे तो यही मारेंगे। हैं अजी आया प्रधान चल गए वो तो गलती से वोट चला गया। यही ठोकेंगे यही। हाँ यही मारेंगे यही घेर के। उतरते देख लो प्रधान जी जब ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो हमारी क्या मानेंगे? और यू तोतला तुत्ता तुझ बोला कभी तुझ तभी तुझ इसके समझ में आती बात? दलील है पागल है ये। ज्यादा चढ़ी उतर जा है? प्रधान से जुबान लड़ा रही हो? खुदा से डरो खुदा से। अरे प्रधान की तो सुनो। नहीं सुनते अभी बनाओ तुझे प्रधान नहीं एक मिनट में ठोक देंगे। ओ भाई ये बड़े पागल लोग हैं बदतमीज है मेरे बस की नायन को कुछ भी कहना इनका कुछ ना पता मेरे पे झूठ बजा दें। प्रधान जी इन्हें लग रही है हराम की। हाँ प्रधान जी जिनको हराम की लगती है ना ना तो उनका शर्म होती और ना होता मान सम्मान। तू सिखाएगी हमें शर्म। चलो रे चलो हमें नहीं सुनी पंचायत पंचायत। चलो आओ अतुन प्रधान इतना मैं बुला लिया अद्यत बुलाने थे मैं तो कितना तेज दिए। प्रधान साहब मूड मत मार। ये क्या कह रहा था? मुझे क्या पता प्रधान जी मैं पढ़े लिखा तुम तुम्हारी समझ में आया हमारी समझ में क्या आएगा? हम तो गांव के आदमी है नु कह के गया प्रधान अगर तू घर आगा सारा तेरा सर फोड़ूंगा। देख लो तुम्हें गाली दे के गया। अरे भाई मैं इनको क्या कहूँ ये तो पागल है इनका कुछ ना पता। वो तोतला तो मुझे मना कर गया बुलाने को। प्रधान जी अब तो तुम भी सुन रहे हो टुकर टुकर। प्रधान हो तुम गाँव के कुछ तो करो। तो अब मैं क्या करूँ? तो प्रधान जी गाँव में बस यही रहेंगे तुम पे भी कुछ ना हो रहा। ओ भाई इनका मैं कुछ नहीं कर सकता इन्हें तो खुदा ही सबक सिखा सके। बाप प्रधान जी ऊपर वाला क्या नहीं करेगा इन्हें तो ज्यादा चढ़ रही है। बस प्रधान जी मैं तो गांव छोड़ के चली जाऊंगी। बाप प्रधान जी कैसा करो अगर गांव में रखना चाहते हो तो हमारी सहायता करो हमें बचा लो। ओ भाई अब जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो जहाँ जाना जाओ मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता जाओ। ये तो पूरे नंगे प्रधान जी
बिल्कुल नंग है भैया इनका, इनका इनका ना कुछ भी दीन धर्म। ठीक है चलो चलो जाओ। चलो ऊपर वाले ऐसे लोगों से बचा ले। आया तलते प्रधान, नहीं तो पार्टी उठा देता। दिमाग खराब कर दिया, निकाल दिया सब हरामपन। हराम का बता रही है, मारे बत्तो तू थेदरा मारे। हराम का बता रहे थे, निकाल दिया उसका सारा हरामीपन। मैंने तो खूब ही मारा हराम जादो को। अबे मारे बत्तो तू, मारे बत्तो तू। अब कोई नहीं बोलेगा साला कोई भी। थी तेरा तू, तू थी तेरा, मारे बत्तो ते हाथ लगाते दिखा दियो तो ही। जब तक तुम दबोगे ना तो तुम्हें सारी दुनिया दबाएगी। धाक से जिएंगे धाक से। न पीता तू थी तेरी, बिल तू थी तेरी। चुप नहीं बैठते बिल्कुल ये भी। मगर वो तो कह रही थी कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे। अरे चाहे जहन्नुम में जाएं हरामजादे, हमारी तो जान छुट्टी। ठीक कह रही है तू। चलो बेटा, जहां अल्लाह ले जाएगा। अब इस गांव में तो हमारा गुजारा ना है। मेरा गांव, मेरा गांव कैसे भूल लूंगा। उधर क्या देख रहे हो घूम घूम के, इधर चलो। शेख जी क्या देख रहे हो, सीधे चलो। अम्मी। हाँ बेटा। ये तो बताओ अब हम रहेंगे कहाँ। बेटा इस दुख से तो बढ़िया है हम और कहीं जाकर रह लेंगे। अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे। अम्मी। हाँ बेटा। अपनी जन्मभूमि छोड़ कर जाने में मेरा बहुत दिल दुख रहा। मुझे क्या बता दिया था टाइम भी आ गया अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। मेरा तो बहुत मन दुख रहा, मेरा बहुत मन रो रहा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का। बेटा दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर क्या करे मजबूर है। मैं तो बिहार के आई थी, यहाँ सोचा था जनाजे पे जाऊंगी, क्या पता था इस हालात में हमें निकलना पड़ेगा गाँव से। चलो अब चलो। तेरी सोच तो कहीं पूरी हो जाएगी अम्मी। अम्मी मेरी तो टांग भी लुपर लुपर कर रही है, मैं तो बैठूंगा थोड़ा सा थक्का। चल बैठ बैठ जाओ, आराम कर ले। बैठ जाओ। अम्मी एक आम भी खा लूंगा, भूख भी लग रही है। अरे नहीं बेटा, बाघ वाला आ जाएगा तो मारेगा। शेख जी मुझे बाथरूम लग रहा। अब तुझे बाथरूम लग गया, जा बाथरूम करिया। जा इधर बैठ, दूर मत जाइयो, अंजाना जंगल है। ठीक है, कोई जंगली मिल जाए जंगली पकड़ लेगा तुझे कोई। हाँ पास में ही बैठ। अम्मी सही कह रही है, बहुत दुखी है अम्मी, हम तो एक आम भी नहीं खा सकते। शेख चिल्ली, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौन है, कौन बा मुझे डरा रहा, सांड कौन है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा शुभ चिंतक, मेरी बात ध्यान से सुन। सुनाओ सुनाओ। तू वापस अपने घर जा और मेरे पेड़ से एक डंडा ले जा। हाँ? जो तेरे दुश्मन है उन्हें बदल देगा। अजी वो क्या एक दिन में बदल रहे हो तो सारे बहुत खतरनाक है जी। उसका नाम है सल्लम सोटा। डंडे का? हाँ। अरे पागल, जो डंडा तुझे मिलेगा वो तुझे पिटने नहीं देगा। पिटने नहीं देगा? हाँ। मगर तू कहाँ से बोल रहा सांड? मगर शुभचिंतक जी, वे तो मेरे बेटे को देखते ही मार देंगे, वे तो हमारे दुश्मन हैं। डरो मत, तेरा बेटा किसी को दिखाई नहीं देगा। मगर शुभचिंतक जी ये तो बहुत बड़ा खतरा, अगर किसी से उन्होंने पकड़ लिया मेरे तो कुकड़ी सी भून देंगे। खतरा कुछ नहीं है, जब तू डंडे को चूम लेगा तो तू गायब हो जाएगा। गायब हो जाऊंगा? और जब तू चाहेगा तो प्रकट हो जाएगा। अम्मी अम्मी कैसे करूँ फिर? क्या ये किसी को देख नहीं सकता? नहीं। और सुनो, तुम माँ हो, तुम देख सकती हो और कोई नहीं देख सकता। क्या शुभचिंतक जी, मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकता हूँ? हाँ हाँ। और सुनो। हाँ। तुम्हारे पास ये सल्लम सोटा 5 दिन रहेगा। 5 दिन रहेगा? 5 दिन तो बहुत है, 5 दिन में तो 5 गांव सुधार दूंगा मैं। हाँ जल्दी करो, तुम्हारी बीवी आने वाली है। हाँ शुभचिंतक जी, उसे पता नहीं लगनी चाहिए। बतला देगी नहीं, वो तो बहुत जान है इस बात को, वो किसी पे अत्याचार नहीं होने दे सकती। तुम्हें कैसे पता मेरी रुखसाना आने वाली है? मैंने ही उसे भेजा है ताकि ये राज उसको ना पता चल सके।
सिर्फ तुम जानो और तुम्हारा बेटा शेख चिल्ली जाने, ये किसी को मत बताना। अम्मी रुखसाना को मत बताइयो। ठीक है बेटा। शुभ चिंतक जी, हम रुखसाना को नहीं बताने गए। रुखसाना बहुत ईमानदार है, वो किसी पे अत्याचार नहीं होने दे सकती। ले मैं तुझे सलाम छोटा दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी रुखसाना आ इधर। ओवे शुक्रिया शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। शुभ चिंतक जी, आपने सलाम छोटा दिया। शेख जी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? किसी से भी नहीं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम तो आपस में बात कर रहे थे बेटा। हम देख रहे हैं। अच्छा चलो चलो बेटा, घर को चलो। चलो चलो घर चल रहे हैं। घर? हाँ अम्मी ये कह रही है बेटा घर रहेंगे, जो भी देखी जाएगी। ठीक है चलो। मान के रुखसाना, चलो भैया। चलो बेटा, मैं भी सिर पे धर लूं। ये मेरा सलम सोटा, ये मेरा सलम सोटा, घना लंबा ना है, है ये छोटा छोटा, ये मेरा सलम सोटा। इतना दुम्मा तादवा, दुम्मा तादवा, ताला माला अद्दे तो ही बोल नहीं तत्ता, पूरे दाम में ये माला तेले ने। सही कह रहे हो जी। इतने दाम ता पदान मैं बनवा, मैं अपूले दाम में पूला दबदबा बना दूँ। पूला पूरे गांव में कोई नहीं बोल सकता फिर, और हमारा दबदबा रहेगा पूरे गांव में। ओवे लंबी लंबी फेंक रहा। हाँ दोनों फेंक रहे लंबी लंबी। बेटा प्रधान मैं बनाता हूँ, बेटे इकबाल तुझे प्रधान। तो ओ दबदबा भी करना चाह रहा गांव पे, सारे तेरा दबदबा मैं बनवाता हूँ। अरे दबदबा तो हमारा दाम में इपी है। या मेरे परवरदिगार मेरी मदद कर, अगर साले निगमों को सुधारने में मेरी मदद करोगे, शुभ चिंतक करो मेरी मदद, सारे गांव के निगम में ना सुधार दिए तो मेरा नाम से एक्चुअली नहीं, देखता हूँ आज माँ के सल्लम सोटा। या जब ज्यादा होगा। मेला मार ली तू? मेरे मार रहे हो, मेरी नकल कर रहे हो। तू मेरी नकल कर रही? तुम मेरी नकल कर रहे हो। तू मार ली मेला? अच्छा तू मार ली? अल्लाह तुम मेरे मार रहे हो। अल्लाह कौन मार रहा है? अल्लाह कौन है? अल्लाह मार दिया। अरे रुखसाना। हाँ अम्मी। बेटा क्या बना दिया? अम्मी सालन तो कुछ था नहीं, चावल बनाए हैं। चल कोई बात नहीं, चटनी बना लियो। ठीक है। शेखू भी आता होगा, पता नहीं उसका काम बना या ना बना। कौन सा काम, कैसा काम अम्मी? अम्मी। हाँ बेटा। कुछ बनाया, भूख लग रही है। शेख जी सालन तो कुछ था नहीं, मैंने तो चावल पकाए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पकाओ 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 पकाओ। लाओ इसे डंडे को दे दो, लिए फिर रहे हो, यहाँ खाना पक जाएगा, जला दो इसे। आए हाय मैं गीली लकड़ी जलेगी, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए तुझे। देख ले अम्मी। और क्या करोगे तुम इसका, बच्चे और डरते होंगे इससे। अरे हमारे लकड़ियों की कमी है क्या, इन्हें जला ले, ये पड़ी है कितनी। हाँ ठीक है अम्मी, ठीक है मैं प्लेट ला रही हूँ, चटनी बनेगी जब चावल मिलेंगे। ठीक है बेटा। बेटा शुभ चिंतक का जो फार्मूला है वो काम आया? हाँ अम्मी मैंने चला के देखा, बिल्कुल फिट बैठा। अच्छा कैसे बेटा? मैंने अम्मी इकबाल और इकबाल की रोज आ रहे थे। अच्छा। और साले बड़ी बड़ी बात मार रही है। अच्छा। और मैंने शुभ चिंतक का ये सलम सोटा चला के देखा, बिल्कुल फिट उतरा फिट, साले भाग गए वरना साले खाल उधेड़ देता। मगर बेटा मैं कैसे यकीन कर लूं, चला के दिखा। अम्मी मैं जा रही हूँ सलम सोटे को चलाना, इतना तो चटनी बनवा ले फिर खाएंगे। नहीं बेटा मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकती, मेरे सामने किसी को मार के दिखा। यकीन कर ले अम्मी सलम सोटा बिल्कुल फिट है फिट। अरे बेटा कैसे मान लूँ मैं।
ले माल ले। कैसे? अम्मी? हाँ बेटा। चटनी बनाऊं काहे की? मेरा तो है ही नहीं घर में। अरे दो चार पड़ी होंगी, बना ले चल। अम्मी मैंने सारे में ढूंढ ली, एक भी नहीं मिली। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? प्लेट ठाले बेकारी टुर टुर करने लगी। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने मारा। अम्मा तुझे तो बहुत गोली मार रहे हैं, इसे मारा। मारा? हाँ अम्मी बहुत तेज लगा। अच्छा बेटे जा, चल जा, चल, चल कोई बात नहीं, जा तू अंदर जा ले। तुम बच के रहना अम्मी। हाँ 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 हा, बेटा। हाय बेटा, ये तो सच्ची काम कर रहा है। सल्लम सोटा रे, सल्लम सोटा। अब किसी से डरने की जरूरत ना है बेटा। अम्मी हाँ। अब क्यों डरूंगा जब मेरे पास है सल्लम सोटा, किसी का भी पिछवाड़ा कर दूंगा मोटा। मैं खिलाती हूँ। बुढ़ियाड़े दिल ने कित करूट में मिले तसल्ली, दिल ने तोड़े सूट में। बे सलमा हाँ, तेरे मन तो बड़ी बढ़िया बनाया यार तूने। थोड़ी मिर्ची तेज पड़ गई है, लो खाओ। तो बड़ा चावे तू तो मुझे, क्या बात है। तेरी देख सादगी मर जानी, ना मिले तसल्ली दिल ने। कितना तेल डाला तूने इसमें? अजी थोड़ा थोड़ा ज्यादा सा पड़ गया। हाँ बेटा रोटी खा लो तुम। स्पून से रख दे भाई, पेट भर गया, रोटी खा ले, पेट फुल हो गया, सब्जी बड़ी मजे की बना रखी सलमा तूने। मजे की तो मैं बनवाऊंगा। क्या हो गया अब, क्या हो गया? और मुझे क्यों मार रही है, क्यों मार रही है? क्या तुम क्यों चल रहे हो? क्या हो गया? ऐ ऐ कौन मार रहा है? ऐ ऐ नहीं क्या हो गया? कौन है? कौन है? अबे देखो नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो। कौन है? घुस जाओ। अभी तो बेटा 5 दिन का सफर है। 5 दिन के लिए मिला मुझे सल्लम सोटा, एक चिल्ली का सल्लम सोटा। 5 दिन बाजेगा जब तक नहीं होगा खोटा। बच्चों तुम ठीक हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे बच्चे तो बच गए। पता नहीं हमें कौन मार रहा है। चलो बच्चों तुम अंदर चलो, चलो अंदर, चलो जल्दी अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर चलो। ओबे सब्जी छोल रही है साली, अभी छिलवाता हूँ सब्जी तेरे से। Ah!
बोलो। पंचायत में मैंने तो प्रधान की भी नहीं मानी। भाई मैंने सुना शेख चिल्ली घर छोड़ के जा रिया। देखो शेख चिल्ली हो तो शेख चिल्ली का बाप हो, चाहे गांव का प्रधान क्यों ना हो, उसे हमारी गुलामी में जीना पड़ेगा। भाभी मेरा भाई शराबी, क्या सो गई तू भाभी मेरा भाई शराबी। प्रधान के यहाँ लंबी लंबी डिंग मार रहा। कासिम भाई मेरा भी नाम शेख चिल्ली है, तेरा भी हिरन ना बनाया और तेरे यार का भी, तो मेरा नाम शेख चिल्ली नहीं, मगर अम्मी वार देख रही होगी, रुखसाना भी देख रही होगी वार, रुखसाना लड़ेगी हैं? कैसे करूँ, पहले इनसे सुलट लेता हूँ, अम्मी और रुखसाना की बाद में सुनूंगा। देखो भाई हम तो आपके साथ हैं, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। या मेरे सल्लम सोटा। कौन है? अरे 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 भैया, अरे 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 तोड़ दिया भैया, अरे अरे मार दिया है, कौन है? अरे भैया तोड़ दिया। अबे कौन है भाईजान, अबे कौन मार रहा है? अरे 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 कौन मार रहा है भैया, अरे तोड़ दिया भैया, अरे 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 अबे कौन है? भागो 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 भागो। पानी कौन है, मेरी सारी दही तोड़ दे। फरजाना 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 क्या हुआ, उठ उठ। क्या हो गया? कुछ मत पूछो। क्या हुआ? हमारे घर में कोई भूत है। भूत? उसने मुझे बहुत ही मारा। अरे मैयारी। अरे तुझे ना, मुझे भी फरजाना पता नहीं किसने मारा, पूरी कमर तोड़ दी, मेरी टांग भी तोड़ दी। चल इकबाल के घर चल रहे हैं, अपने यार इकबाल के घर चल। यार गया भाड़ में, पहले मुझे दवाई दिलवा के लाओ डॉक्टर के यहाँ से। ओ चल चल डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, दवाई दिलवाऊंगा। चल चलो। ओ तुम्हारे यार के यहाँ। अरे तू भी खा ले जाके। नहीं अम्मी, शेख जी आ जाएंगे मैं तब खाऊंगी। अच्छा अम्मी बना ली चटनी। अरे कहाँ चला गया था तू, रोटी खाने को कह रहा था, भूख लग रही है। चल खा ले, तू खा ले, तू खा ले, खा ले, बाद में ही खा लियो, मैंने भी ना खाया तुम्हारी वजह से, मेरे साथ ही खा लेना। वाह रुखसाना, बात तुझे पता नहीं है, अम्मी के साथ खाना खाने से जन्नत का एहसास होता है। अम्मी के साथ खाना किस्मत वालों को मिलता है। पगली जिनके अम्मी नहीं है उनसे पूछ के देख अम्मी की क्या कमी होती है। फिर तो हम भी अम्मी के साथ ही खाएंगे। हाँ हाँ बेटे, तू भी मेरे साथ ही खाया कर। शेख जी वैसे कहाँ गए थे तुम? मैं गांव में घूमने गया था। गांव में मत जाया करो, सब लोग हमें मारते हैं, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अम्मी जरा रुखसाना को बताना। शेखू तेरा काम कैसा चल रहा है? वो अम्मी वो तो पूरा चालू है, तेरे सामने आने वाला रिजल्ट। रिजल्ट? वाह मेरे बेटे वाह, काट दे गांव का दुख। क्या पा गया अम्मी, किसका दुख काट रहे ये, हमें भी तो बताओ। अरे तो और निकाल ला खाना, ये तो पागल है, इसकी बातें ना सुना कर। ठीक है अम्मी ला जा। इतने लाड लड़ाए मातन छोरा एक्टर बना दिया। अच्छे बन रहे, स्वाद हो रहे, स्वाद हो रहे अम्मी, एक चम्मच और खिला दे। ले ले खा। या मेरे सल्लम सोटा, काम करे ना खोटा। ओ मेरे सल्लम सोटा। ताले न तुन तुन ते माले तुन तुन ते देन में भी जना नहीं मिलने थी ताले तू। लो दवाई खा लो। तन्ने ताली खा ली। तत्ता पानी जल्दी आराम हो जाएगा, खा लो। अत्ता अल्लाह अल्लाह मगा।
क्या हो गया भाईजान? इकबाल भाई, तुम्हें किसने मारा? मुझे तो लग रहा है तुम्हें कोई ज्यादा फोड़ गया। मेला तल पोत दिया ताले ने। तुम कैसे करा रहे हो? तुम्हें भी उसी ने मारा है क्या? क्या बाजी, तुम्हें पता है कौन है वो आराम ज्यादा? उसने तो मेरी टांग भी तोड़ दी। अदर दिखाई दे देता ताले ता उल्टी पत्ती बात दे भेज देता। वो तो दिखाई नहीं दिया। सलमा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला के देती हूँ। ना 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 बिंदु। ना भाई ना, चाय मत लो। अरे बैठो, मैं बना के लाती हूँ। बना दे पत्ती तड़पती देर लिए। अरे बेटा उठ जा, देखिए दिन निकल आया। रुखसाना, रुखसाना। हाँ अम्मी। बेटा चाय बना ले, और देख एक घंटे से इसे उठा रही हूँ, ये भी ना उठ रहा। ठीक है अम्मी, अभी चाय बनाती हूँ। ओ, डंडे को तो ऐसे लेके सो रहे हैं जैसे ये इनका बच्चा ही हो। आज डंडे की चाय बनाती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही है? बटट, हर वक्त डंडे के पीछे पड़ी रहे, डंडे के पीछे पड़ी रहे। डंडे भी जला के चाय बनेगी तेरी? इसे जलाने के चक्कर में लग रही है, बदतमीज सी। अरे तुझे यही चमके है? और ईंधन ना है घर में? जब देखा जब इसी के पीछे पड़ी रहेगी, इसे जला दूं, इसे जला दूं। बार उसका मुझे काम भी पूरा करना है सब, और उसका वापिस भी देना। फिर ये वापस देने को तो ना ये सोने का। रुखसाना, ये सोने से कम भी ना है। हमें बताओ सोने से कम क्यों ना है ये? अरे अब जवान चलाती रहेगी, जाके चाय बना ले। ठीक है, मैं पूछी तो रही थी, तुम तो नाराज हो गई। ठीक है अम्मी, जाऊं फिर मैं। अरे तू यहीं रह, मैं देखती हूँ। तूने कुछ किया तो नहीं था? चल चल चाय बना ले तू। शेख जी, अब तो अम्मी भी नहीं है, ऐसा इस डंडे में है? छोड़ दे, दिखाओ। अगर चूम लिया ना भक्ति फिरेगी। चाय पका ले जा। दिखा दो ना एक बार। मैं तो जावा नहीं जाती। चूमने की जरा सारी हिरन बना दूंगा हिरन। ये मेरा सल्लम सोटा, ये मेरा सल्लम सोटा, मैं भी चलता हूँ। ये मेरा सल्लम सोटा, ये मेरा सल्लम सोटा, और नकली को यदली कर दे खरा जो है खोट। अजी खाना खाओ तो पका दूं। मदे भूतना, तू मेले तोले बैदा मेला दी धबरा रहा। थोड़ा सा तो खा लेते। बैदा। वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप भी? हाँ भाभी, रोना तो इसी बात का है भाई। तुम्हें भी तिति भूत ने मारा है? इकबाल भाई, मुझे भी मारा, और मेरी फरजाना को। मैयारी, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा भाईजान। बाजी, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, सपने में भी वो ही दिखता है, भटावट भटावट भटावट। या अल्लाह, ओह मैया मेरी, बहुत मारा। कासिम भाई, गुलाबठी वालो, ये तो सोचना पड़ेगा भाईजान, ये तो हम सबको मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ। आ, 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 भाई यहाँ तुम तो होते हैं। ठीक है भाई जान, तुम आराम करो। भाई मैं चाय बना के लाती हूँ, आप बैठ जाओ। बाजी रहन दो, हम चाय वाय पीने ना आए यहाँ पे। चल फर जाना, अपने रंड रोने रोने आए हम तो। बैठो बाजी। अली बाबी पी लेती तेरे बहाने, तेरा मैं भी तब मिल जाती। Thank you.
शबनम बाजी, कहाँ जा रही हो? अरे वो इकबाल भाई के बहुत सारी चोट लगी, पता ना कैसे लगी, उन्हीं का पता करने जा रही थी मैं। अच्छा हाँ। चलो मैं भी चलती हूँ, चलो दुख सुख में पता लेना चाहिए, जरूर है। चलो बाजी, पता ही ना लगा किसने मारा उन्हें तो है? चलो चलो देखते हैं। चलो कमी मेरे बिना रह रही है, पूरी फूटी पड़ी हूँ। आओ जी आओ बैठो। अजी मैंने सुना तुम सबको भूत ने पीट दिया। बाजी हमारा क्या, पूरे गांव में बजाते गए हैं और सारे फूटे पड़े हैं और मेरा भी हाथ तोड़ दिया। शिकायत कर रही है, शिकायत कर ले साली। अरे हाँ, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग गए कहाँ थे, सारे फूटे पड़े हो। अजी मैं तो घर में ही था, सलमा के साथ खाना खा रहे थे, हमें तो कोई घर में ही फोड़ गया। ऐसी ठोकूंगा साले, प्यार बढ़ा रहा, आपस में खाना खा रहे साले, इली इली कर रहे साले, प्यार मैं सही नहीं दया सात पे तोला था दलू, तोते तोते था ददर 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 रही मेला तो। तोतले तेरी भी जीवान सही ना करी तो मेरा नाम शेख चिली नहीं बेटा। अजी मैं क्या बताऊं, मेरा दोस्त दिल्ली से आया हुआ था, उसे बाग में घुमाने गया, बस वहीं फोड़ दिया हमें तो, मेरे भी मारा, मेरे दोस्त को भी मारा। घूम ले बाग में, बाग में साले सैल कर ले साले, आम खिलाऊंगा तुझे। अजी मैं तो आलू छील रही थी, वो मेरा वही छिलका सा तार गया, अब तो मैं आलू छीलने लायक भी ना रही। छिलके तो आले साले, मटर छोड़ने लायक भी ना छोड़ दूं, मटर फोड़ने लायक भी ना छोड़ दूं तुझे तो साली, और फोड़ूंगा अभी तो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरना भी चाहिए साली, सलम छोटे से डरना भी चाहिए। अच्छा जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, दवाई गोले लेते रहना। हाँ, चलो बाजी। ओए हाँ यारी है, यारी है भाई, तो किसी के सामने आता तुस्ती लेन आई थी मारी तुस्ती, ठीक कह रहा इकबाल, आज जो मजे दीच देता उसी वही तत्नी बना देता। ये मेरा सल्लम सोटा। अब ये दोनों माँ बेटे कहाँ चले गए, जब तो चाय के लिए आफत मचा रखी थी। रख देती हूँ मैं भी, आएंगे तो ठंडी पी लेंगे, मैं तो अपना सूट सिलूं। ये मेरा सल्लम सोटा, ये मेरा सल्लम सोटा।
जिस पे भी ये चल जाए अम्मी उसको कर दे खोटा, ये मेरा सल्लम सोटा, ये मेरा सल्लम सोटा। ये तो बात ठीक है बेटा, लेकिन ऊपर वाला सबको देखता है, पर ज्यादा मत मारा कर। एक बार सुन ले अम्मी, इतने में साले अल्लाह से तौबा ना करेंगे ना, इतना ही सल्लम छोटा ऐसे चलता रहेगा, ये मेरा सल्लम छोटा। चल चल ठीक है, चल चाय पीते हैं। हाँ हाँ, चाय पी के जो ताकत से आ जाएगी ना, फिर मेरा सल्लम छोटा चलेगा। हाँ कहाँ चले गए थे, चाय भी ठंडी हो गई। हाँ हाँ चाय ला, चाय पियेंगे। लाओ इसे डंडे को दो, आज मैं इसे जलाती हूँ। 24 घंटे से लेके घूमते रहते हो। अरे तो इस डंडे के पीछे क्यों पड़ी रहे? अच्छा मुझे तुम ये डंडा लेने क्यों नहीं देते हो? अरे जब ये नहीं देता तो तू क्यों लेती है? चाय पिला, चल खड़ी हो। ला, हाँ, चल, अभी। ला चाय ला दे, गरम करके लिया। हाँ डंडे के पीछे पड़ी रहे, ये लो ऐसी पियो। हाय हाँ बिल्कुल ठंडी है, ठंडी है साली, मैं सल्लम छोटा चला दूंगा। ले हमने पी रहे ठंडी चाय दे दी बिल्कुल। अरे ठंडी है बिल्कुल। और बाढ़ देख रहे चाय की, चाय की बाढ़ देख रहे, आवे तेरे में चाय बनानी साली। चल सिल ले, मैं तो अंदर जाऊं। तुम्हारे लिए मैं ढाली ना बैठी हूँ, 24 घंटे चाय चाय चाय। ढाली ना बैठी, ढाली ना बैठी। भाई इकबाल भाई, जिधर सुनो उधर उसका चोट लग गई, उसको मार गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, जिंदगी खराब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भैया, बैठो, समझ में नहीं आ रहा। भाइयों ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? भाई तो ही भूत है, तो हमें मानना तारा, मगर पता तो लगना चाहिए। पता लग जाएगा तो साले को जान से ना मार दूं। अजी मुझे तो डर लग रहा है, चलो इस गांव को छोड़ देते हैं। नहीं नहीं गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। और क्या यही पिटते रहोगे, वो तो घर में भी मारेगा। देखो घर के अंदर ही रहो और घर के अंदर ही सो, पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए। भाई एक बात बताओ, उस दिन ते तिल्ली ते अम्मी आई थी, उत्ते तो ना माल आती थी ना, अब हमें तारो तो पीते दया। ये बात तो सोचने वाली है, चलो चल के पूछते हैं। मिडल गोट कर रहे हैं साले, घर जाने की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा, मेरा नाम से एक चिल्ली है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वो कहीं से भी पिटी हुई ना दिख रही थी। तू ठीक कह रही है फरजाना, चलो हम उसके घर चल के ही पूछते हैं। सकता मुझे भी हो रहा, पता करो वो पिटी क्यों नहीं। आ जाओ आ जाओ, चलो उसके घर चल के पूछते हैं, सकता मुझे भी है, पता चलेगा वो बची कैसे। चोर का पता तो वहीं जाके चलेगा। चलो 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 चलो। आओ चलो चल के देखते हैं। आज पता ही लगाना है ये सब, आज पता ही लगाना ये सब। मेरी टांग में तो घना ही दर्द हो रहा। चलो जल्दी, चल तो रहा हूँ। चलो, वैसे टांग पे चोट लगी पड़ी है, पता तो तले उत्ते दरु दाते ते हो रहा। हाय अल्लाह, अम्मी हाय अल्लाह, क्या मर गए हम तो। हाय अल्लाह बचा ले, युते ओला था ले। हाँ बेटा मुझे पता थी तुम आओगे जरूर, इसलिए मैंने भी अम्मी को पूरा पाठा पढ़ा दिया, रुखसाना को सब सिखा दिया उन्होंने। मेरी अम्मी मेरे से बड़ी कलाकार है। ते तिल्ली ती अम्मी यूलुताना तू त्या हुआ, प,
पता नहीं हमें तो कौन मार गया। हमें तो कोई डॉक्टर का पहुंचा दो, मर गई। मगर तुम्हें पीटा किसने? पता नहीं, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। और मेरा शेखू तो जान बचा के भाग गया, वरना उसे तो जान से ही मार डालते। मगर कौन है वो? जब हमें नहीं पता तो इन्हें कहाँ से पता होगा? ताला तो ही तो है, तो इन्हें भी पीट दिया। अब तो ताला तू तमन में नहीं आला। ठीक है बेटा, हाँ अब देखता हूँ साल है, तुम्हारा भी हिरन न बनाया तो मेरा भी नाम सी एक चिल्ली नहीं। हाँ सल्लम सोटा, जब तक है जब तक कोई गम नहीं है। भाग गए। भाग तो गए। और शेख जी, तुमने हमें रोने की एक्टिंग करने के लिए क्यों बोला? हम कोई एक्टर हैं? अरे बेटी, कभी कभी एक्टिंग भी करनी चाहिए। जब वो कह रहा है तो कर ले एक्टिंग। ओ बा, तू नहीं समझेगी पगली, गांव में कोई भूत आ रहा, भूत का रोड़ा मच रहा, और समय पीट के जा रहा भूत। हमारे घर में तो भूत आया नहीं, ये हम पे शक करते। हम तुम क्यों रो नहीं रहे, तुम्हारे क्यों नहीं भूत आया? हाँ, फिर तो ये हम पे ही शक करते। हाँ, ये तो वैसे ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है, अब तो डरना कुछ भी, ऐसे अगर तू खाना पका ले, एक गिलास पानी पिला दे। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ आ जा, मैं मेरे घर आ जा। हाँ आ रही हूँ, चल। हाँ सही करा मी तुमने, सही करा तुमने। पर एक हो जा, फसाया मी, उसे पता भी नहीं लगा। बिल्कुल सही बताया। साले न्यू कहते फिर है मुझे, उसने मारा, मुझे मारा उसने, मेरा सालों का कर दिया फिट काम। आए साले, भागो जल्दी तला ले रहे तलते। सही कह रहे हो, सही। हाँ चलो। बेटा दरवाजा बंद है। ओवे ओवे, इधर भी दरवाजा बंद। छुपे हुए हो, छुप रहे हो। ओवे, लॉकडाउन लगा रखा, सालो छुप रहे हो। सालो मुझे नहीं जानते, शेख चिल्ली भी तुम्हारा बाप है। फरजाना, क्यों कर रहे हो जी? अरे फरजाना, मैं ये कह रहा था, पिट सब रहे हैं पर दिखाई किसी को कुछ नहीं दे रहा। सब जाओ भाड़ में, मुझे तो अपनी पड़ रही है। ओवे, घुस जाओ बेटा घर में, घुस जाओ, घुस जाओ घर में, घुस जाओ। अभी तो बेटा 4 दिन का सफर है, 5 दिन के लिए मिला मुझे सल्लम सोटा। कौन है फरजाना? ये कौन है? कौन है? क्या हुआ फरजाना? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मेरी दांत, मेरी कौन? कौन दिखाई ना पड़ रहा?
मारा फर जाना पर खुदा मुझे मरवाएगी तू। कौन है कौन है? अरे कौन है? दिखाई ना पड़ रहा मुझे, मत मारो। मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारो। हराम जादा, कौन मार रहा है? हाय अल्लाह, पर जाना ये क्या आपस है? पता नहीं हराम जादा कौन मार रहा है। एक बार पता लग गया ना, उसके मोटी मोटी काट के खा जाऊंगी, उसका मांस खा जाऊंगी। यूं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं खाऊंगी, नहीं नहीं खाऊंगी। ये मेरा सल्लम छोटा, ये मेरा सल्लम छोटा, ये मेरा सल्लम छोटा। अम्मी, अम्मी। हाँ बेटा। क्या सोच रही हो तुम? मुझे कई दिनों से बदली बदली सी लग रही हो, कोई बात हो गई? बेटा क्या सोचती? मैं ये सोच रही हूँ कि शेखू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं है अम्मी, सब सही हो रहा है तेरी दुआ से। शेख जी क्या बात है, तुम मुझे कुछ बता क्यों ना रहे हो? बार उठाना अम्मी। जब हमें कुछ पता ही नहीं तो हम क्या बतला दें? पूरे गांव में एक भी आदमी गली में नहीं है। चलो तो चलो बेटा, हम भी अंदर चले, कभी कुछ गलत हो जाए, कुछ आफत आ जाए। हाँ शेख जी अंदर चलो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलो। ये मेरा सल्लम सुट्टा, ये मेरा सल्लम सुट्टा, एक में ही बड़ा देता है झोपड़ी हो या कोठा, मेरा सल्लम सुट्टा। देखो भाइयों, जो ये गांव में आफत आई हुई है, या तो किसी मौलवी को बुलाओ या किसी तांत्रिक को बुलाओ, इसका इलाज तो कराना पड़ेगा। पदान दी, सबसे बड़ी बात तो यह है वो भूत माले ही परिवार वालों पे हमला कर रहा है। ये क्या कह रहा भाई ये? प्रधान जी मैं जानता हूँ इसकी जवान। इकबाल कह रहा है वो हमारे ही परिवार पे हमला क्यों करता है? मैं नीता कह रहा प्रधान जी। कोई भी तांत्रिक हो, मौलवी हो या कोई डॉक्टर हो, जो भी इस चीज का इलाज जानता हो उसे बुला लो, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। प्रधान जी पैसे तो हम भी खर्च कर देंगे। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी नज़र में कोई आदमी ऐसा है जो इस बीमारी का इलाज जानता हो बुला लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। अरे प्रधान जी वो भूत तो शेख चिल्ली के घर भी गया था। वो भी रो रहे थे, हम तो ये गाँव छोड़ के ही चले जाएंगे। प्रधान जी हमें बचा लो, हम तो गाँव में रहना चाहते हैं। भाई जब भूत शेख चिल्ली के घर गया है तो पता तो उसे भी होगा, उसके भी दर्द हो रहा होगा, उसे आने दो पहले। प्रधान जी इनकी समस्या का हल कर दो। लो प्रधान जी आ लेते चिल्ली भी। भाई शेख चिल्ली हमने ये सुना के भूत तुम्हारे घर भी आया था। प्रधान जी आया था अम्मी को और रुसाना को उछाल उछाल कर मार रहा। वो तो मैं भाग गया था, मैं तो दूर तक खड़ा देख रहा था, वरना तो मुझे भी लपेट देता साला। भाई कोई तांत्रिक भगत बुलाओ, हम तो आप लोगों के साथ हैं। प्रधान जी अगर आप गांव वालों के साथ हो ना तो गांव वाले भी आपके साथ हैं। हम गांव वालों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हमारे शेख जी तो गए भी थे तांत्रिक के पास। सही कह रही है, सही कह रही है। फिर क्या रहा? हाँ प्रधान जी मैं गया था तांत्रिक के पास, उसने कहा था कि मैंने छोड़ा भूत, जिन जिन लोगों ने प्रधान जी की बेइज्जती करी है उनकी वो पिटाई करेगा, सरेआम लपेटेगा। मगर प्रधान जी हमने तो उसे कुछ बोला ही नहीं, उसने तो हमें भी लपेट दिया। अम्मी हम लपेटे में तो आएंगे ही, जब गांव वालों के साथ है तो। प्रधान जी आदम तारे मिलते ततम तारे, हम दो भी रहेंगे पूले दाम में बिल दुलते प्यारते लगेंगे। अरे ये क्या कह रहा है ये? प्रधान जी ये कह रहा है कि आज के बाद हम कसम खाते हैं। अच्छा हम सब गांव वाले एक साथ मिलकर रहेंगे। अच्छा ये बात है। प्रधान जी एक बात सुनो, जब पूरा गांव एक साथ रहेगा मिलकर रहेगा तो कोई भी आफत नहीं आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्यों नुकसान? क्यों अम्मी? हाँ जी हाँ हाँ हाँ। अब मैं समझ गई गांव वालों,
आज के बाद कोई भूत वूत नहीं आने का। अच्छा प्रधान जी। हाँ जी, इस बात का तो सही कह रही है। वो क्यों? क्योंकि जो भी आया था ना, ये था शेख चिल्ली का सल्लम सोटा। सल्लम सोटा जवाब मैं भाई। गाँव वालों, अगर सल्लम सोटा फेर देखना तो एक बार चूमने की देर है। ना ना ते तिल्ली नू तो भाई ईमानदारी से कमेंट करके बताना दर्शको, सल्लम सोटा कितनी बार चला इस फिल्म में? हाँ जी, तो दोस्तों देखिएगा, जैसे ये हमारी मूवी है सल्लम सोटा, दोस्तों बहुत ही फनी मूवी है। यदि हमारी मूवी में आपको कोई भी कमी नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। ठीक है अम्मी, सल्लम सोटा चला दूं? नहीं बेटा, नहीं तो फिर सब्सक्राइब कर दे। हाँ फ्रेंड्स, हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी इस बारे में लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और इस फिल्म को बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। सल्लम सोटा चला दूं? दोस्तों, ये फिल्म हमारी कैसी लगी? इसमें हमारी बहुत ज्यादा पिटाई हुई, मेरे कई जोड़ी कपड़े मैले हो गए, और सल्लम सोटा इतना बजा मेरा बक्कल ही उतर गया। ठीक है हाँ जी। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते, सल्लम सोटा देखना चाहो? नहीं भैया, नहीं, मैं नहीं देखना चाहता भाई। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हम ये आप मूवी देख रहे थे, इसको हमने, हमारी पूरी टीम ने बड़ी, ये समझ लीजिए कि जून के महीने में टपकते हुए पानी के बीच पसीने की बूंदें टपक रही थी हर शॉट के बाद, बड़ी मेहनत से इस फिल्म को बनाया है। ये हमारी मेहनत थी और मेहनताना आप देंगे हमारी फिल्म को शेयर करके और इसको लाइक करके। तो कटिया बता, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस सल्लम सोटा से मार ना खानी हो ना, तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। और तू? मैं? शेख जी ने कल शूटिंग करी थी तो मेरा चोट नहीं आई, मगर आज शूटिंग करी तो आज मेरा घुटना टूट गया। और आप भी इस सल्लम सोटा से दूर रहें। जरा जी बताओ, बोलो। हाँ दोस्तों, इस फिल्म में मेरी सल्लम सोटे से बहुत मार लगी है, मैं यूँ कहूँ कि मेरा ये पूरा टूट चुका है यहाँ से शरीर। तो दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कर देना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मार किसकी अच्छी लगी है। और भाईजान आप बताओ। भाईजान, मेरा तो दर्शकों से यही कहना, किसी को इतना मत सताइयो जो दोबारा सल्लम सोटा लाना पड़े शेख चिल्ली को। मैं तभी दोस्तों तेनू सॉरी, मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि जितना प्यार, जितने कंजेस्टेड हम इस फिल्म में रहे हैं, दोस्तों आपका प्यार अगर हम तक पहुंचे तो सिर्फ हमें कमेंट में लिखना कि आपको हमारी टीम कैसी लगी। और हमारे शिवम सर क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? हां, हमारे एनडीजे के मालिक है शिवम सर, जो हमारे बीच बैठे। सौभाग्य है कि मालिक आज एंड के सीन में हमारे साथ है। बहुत अच्छा लगा, सभी दर्शकों को लगना चाहिए अच्छा, और टीम को अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे सर जी? तो फिर मिलेंगे। ये कह रहे हैं तो फिर मिलेंगे। सुपर डुपर हिट गई थी अवार्ड।